इस ड्राई मौसम में सबकी स्किन इस तरह से हो गई है कि कुछ भी लगाते हैं तो उसका 1-1.5 घंटे से ज्यादा असर नहीं रहता है, यानी कि तुरंत ड्राई हो जाता है। इस मौसम में कंटिन्यू और नेचुरल तरीके से नमी बने रहने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, हमें किस तरह के फेस पैक का यूज करना चाहिए? हमारी स्किन है वो कुछ और डिमांड करती है और हम उस पर लगा कुछ और लेते हैं जिससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। आपको अपनी स्किन का एग्जामिन करना है कि वो कैसी है, यानी कि ड्राई है, आप ये फेस पैक यूज कर सकते हैं, और अगर ऑयली और पिंपल्स वाली है तो आपको यूज नहीं करना है। और ड्राई में भी ऐसी रेमेडी से आपको एलर्जी हो तो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फटाफट से, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपके पास में 5 से 10 मिनट का समय, तो फटाफट से फेस पैक तैयार करके आप लगाएं, और जब तक आपका खाना बनता है तब तक वो फेस पैक तैयार हो जाता है, यानी कि वो सूख के तैयार हो जाता है। उतनी देर आप रख सकते हैं 15 से 20 मिनट तक, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 फेस पैक चलेंगे अपने को ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए है। इसको आप इस समय भी यूज कर सकते हैं और विंटर में भी यूज कर सकते हैं। जब तक मैं फेस पैक को तैयार करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू ऐसे ही अपने वीडियो चलेंगे। इसमें बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाना का फेस पैक बनाएंगे, बनाना और हनी का। बनाना में क्या होता है, विटामिन ए, सी और पोटेशियम होता है, यानी कि विटामिन ए होता है वो अपनी स्किन को लेवल में ला करके उसको निखारता है, विटामिन सी होता है वो स्किन में गोरापन लाता है, और पोटेशियम होता है, ये तीनों चीजें मिलके स्किन को जवां बना देते हैं। कई बार अलसी विसी स्किन होती है अपनी, बेरुखी होती है, एकदम ड्राइनेस होता है, तो उसको अंदर तक नमी लाते हैं। ये आपको 15 से 20 मिनट तक ये फेस पैक रखना है, और सप्ताह हमें 2 बार यूज करना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो 3 बार, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने एकदम अच्छे से पका हुआ बनाना लिया है, क्या बनाना नहीं लेना है जिसमें क्या होता है मैश नहीं होता, गुठलियां रह जाती है और अच्छे से उसका फेस पैक तैयार नहीं होता है। तो एकदम अच्छे से पका हुआ बनाना लें और उसको उतना आप काटें जितना आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, गर्दन पे अप्लाई करना चाहते हैं, हाथों पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्वांटिटी में ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं अभी गर्दन और फेस पे इस्तेमाल करूंगी तो मैं बनाना को सिर्फ इतना सा ही काटूंगी, इतना सा मैंने बनाना काटा है। इसको आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जितने छोटे आप कर सकते हैं ताकि मेस करने में दिक्कत नहीं हो। 1 चम्मच आप हनी की लें, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच बहुत होती है। इसके बाद में आपको इस फेस पैक को अच्छे से मैश करना है। ये देख रहे हैं मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी फेस पे अप्लाई करना है, गर्दन भी अप्लाई करना है, जहां भी आप अप्लाई करना चाहिए वहां वहां कर सकते हैं। ये स्किन के अंदर एक ड्राइनेस को खत्म करके और नमी लाता है और स्किन को एकदम से निखारता है। इसको ये एक इंस्टेंट असर करने वाला फेस पैक है और इसको आप 5 मिनट में फटाफट से तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, तो किचन में काम करते करते 2 मिनट में आप तैयार करके इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही नेचुरल होम रेमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो देखने के पश्चात अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।